नमस्कार दोस्तों, 10 बेसिक वर्ड मीनिंग का आज आपका डे 2 है, यानी आज आपका दूसरा दिन है जिसमें कि हम आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज, तो राइज का मतलब होता है उगना, ठीक है। राइज का मतलब होता है उगना, यानी द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। और सेट का मतलब होता है अस्त होना, यानी डूबना, ठीक है। सेट का मतलब क्या होता है? अस्त होना यानी डूबना। चलिए, क्लास का हिंदी होता है वर्ग। क्लास का हिंदी क्या होता है? वर्ग। स्टूडेंट, स्टूडेंट का हिंदी होता है विद्यार्थी, ठीक है। स्टूडेंट का हिंदी क्या होता है? विद्यार्थी, ठीक है, या छात्र भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी या छात्र। चलिए, टीचर, तो टीचर का हिंदी होता है शिक्षक, ठीक है। टीचर का हिंदी क्या होता है? शिक्षक। आगे देखते हैं, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का हिंदी होता है ईमानदार। हंगरी, हंगरी का हिंदी होता है भूखा, ठीक है। हंगरी का हिंदी क्या होता है? भूखा। इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का हिंदी होता है तेज, ठीक है। इंटेलिजेंट का हिंदी क्या होता है? तेज। चलिए आगे देखते हैं, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हिंदी होता है सुंदर। ब्यूटीफुल का हिंदी क्या होता है? सुंदर। चलिए, अग्नि, तो अग्नि का हिंदी देखिए सुंदर का उल्टा होता है, यानी इसको कुरूप या बदसूरत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको 10 वर्ड मीनिंग बता दिया। एक वर्ड मीनिंग आपको इसका बताना है कि मैरी का हिंदी क्या होता है, ठीक है। मैरी का अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये था आज का आपका डे 2, ठीक है। तो आज हमने आपको 10 बेसिक वर्ड मीनिंग बताया। इसी प्रकार के रोज़ वर्ड मीनिंग सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।